हे फ्रेंड्स, आप सभी तो जानते हैं दोस्तों, रियलमी का लॉन्च इवेंट है 5 मार्च को, यानी कि परसों। और दोस्तों, उस लॉन्च इवेंट में हमें पता है कि रियलमी अपना 6 सीरीज फोन लॉन्च करेगा और भी बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि रियलमी क्या क्या लॉन्च करेगा अपने 5 मार्च को होने वाले लॉन्च इवेंट में। तो दोस्तों, सभी बातें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और टेक के मामले में अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भदानी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, रियलमी 5 मार्च को लॉन्च करने वाला है अपने बहुत सारा प्रोडक्ट दोस्तों। एक्चुअली में रियलमी का लॉन्च इवेंट है दोस्तों 5 मार्च को। तो दोस्तों, उस लॉन्च इवेंट में क्या क्या लॉन्च करने वाला है, आपको क्या क्या पता है कि रियलमी लॉन्च करेगा। फिलहाल तो दोस्तों, अभी पूरी तरह से जोर शोर से प्रचार चल रहा है रियलमी 6 सीरीज का, जो कि दोस्तों इसके अंदर 2 फोन आते हैं 6 और 6 प्रो। उसके बारे में मैंने वीडियोज बना रखा है दोस्तों, आप चाहे तो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बार बार वीडियो में एक ही बात बताना अच्छा नहीं लगता। वैसे दोस्तों, इस फोन में आपको काफी कमाल के स्पेक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा, आई बटन पे जाकर देख ले दोस्तों वीडियो, अगर आप जानना चाहते हैं उस फोन के बारे में। तो दोस्तों, और क्या लॉन्च करेगा रियलमी 5 मार्च को। तो दोस्तों, जो कि दूसरा प्रोडक्ट आता है रियलमी की तरफ से, वो है दोस्तों रियलमी का बैंड। बहुत सारे लीक्स आ गए हैं दोस्तों, और ऐसे भी दोस्तों कि रियलमी की तरफ से भी कंफर्म हो चुका है कि रियलमी बैंड लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, रियलमी बैंड लॉन्च होगा 5 तारीख को, तो देखेंगे रियलमी बैंड कैसा होगा दोस्तों। कि मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं दोस्तों, उसका प्राइस लगभग 2000 रुपये होना चाहिए दोस्तों, उससे कम ही होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। और दोस्तों, काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट हमें देने वाला है रियलमी, ये तो पक्का ही आप समझ लीजिए। और दोस्तों, रियलमी क्या लॉन्च कर सकता है, रियलमी बैंड तो दोस्तों, रियलमी फ़ोन आप ये सभी चीज़ें जानते थे कि रियलमी लॉन्च करेगा, और क्या लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों, मुझे याद आ रहा है एक अभी कुछ दिनों पहले लीक आया था रियलमी एयरपॉड्स का दोस्तों, जो कि पहले लॉन्च किया था, वो उसका कुछ सस्ता वेरिएंट लॉन्च होने वाला है। तो उसका प्राइस दोस्तों 4000 था, उसका प्राइस कितना हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों, लॉन्च होगा भी कि नहीं पता नहीं है दोस्तों, लेकिन लीक तो आया था दोस्तों, क्या पता वो ईयरबड्स लॉन्च हो जाए इस लॉन्च इवेंट में। बहरहाल दोस्तों, ये लॉन्च हो या फिर ना हो, लेकिन दोस्तों एक चीज के बारे में और हमें पता चलने वाला है रियलमी के लॉन्च इवेंट में, जो कि मार्च में होने वाला है दोस्तों, वो है दोस्तों रियलमी टीवी। अभी दोस्तों, रियलमी लोगों से राय ले रहा है कि आपको क्या क्या स्पेक्स चाहिए इस फोन में। हाल ही में आपने अगर टेक्निकल गुरुजी का इंटरव्यू देखा होगा माधव सेठ के साथ में, तो दोस्तों उसमें हमें पता चला था कि रियलमी टीवी भी लॉन्च करेगा, ऑफिशियली पता चला था एक्चुअली दोस्तों कि रियलमी टीवी भी लॉन्च करेगा, मगर दोस्तों उसका लॉन्च डेट नहीं बताया गया कि 5 मार्च को ही लॉन्च होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ रियलमी टीवी के बारे में कुछ खास बातें। तो दोस्तों, रियलमी जो टीवी लॉन्च करेगा वो दोस्तों 32 इंच का होगा, और 32 इंच का दोस्तों क्यों होगा, तो मैं सिंपल आपको लॉजिक बताता हूँ। इंडिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा टीवी जो बिकता है वो 32 इंच का ही टीवी बिकता है, एक स्मार्ट टीवी होगा दोस्तों इसमें भी नो डाउट। और प्राइसिंग दोस्तों काफ़ी एग्रेसिव होने वाला है, एमआई से थोड़ा बहुत सस्ता ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों, रियलमी पहले तो 32 इंच का टीवी लॉन्च करेगा, मे बी आपको 2 टीवी देखने को मिल जाए और बड़ा टीवी भी देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों आपको 32 इंच का टीवी ज़रूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, वो एंड्रॉयड के साथ में ही आना चाहिए, और क्या पता आपको रियलमी यूआई के साथ में टीवी देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है दोस्तों, काफ़ी कमाल की बात हो जाएगी रियलमी यूआई के साथ में हमें टीवी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, की इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से मेरे ख्याल से पहला टीवी होगा, दूसरा टीवी होगा दोस्तों, अभी वन प्लस ने टीवी लॉन्च किया था, अब रियलमी लॉन्च करेगा। वन प्लस का टीवी दोस्तों काफ़ी मेरे ख्याल से तो बेकार था दोस्तों, काफ़ी ओवर प्राइस था दोस्तों, फोन के अलावा वन प्लस कुछ और सही बनाता ही नहीं दोस्तों, उसका ईयरफोन भी काफ़ी महंगे रहते हैं, और रियलमी थोड़ा दोस्तों काफ़ी अग्रेसिव प्राइस में फ़ोन को लॉन्च करता है, और एक्चुअली में दोस्तों रियलमी बनना ही चाहता है शायोमी। तो देखते हैं दोस्तों क्या करता है रियलमी। जितना दोस्तों मुझे पता है उस हिसाब से तो लग रहा है रियलमी काफी कमाल का टीवी लॉन्च कर सकता है, और दोस्तों देखते हैं लॉन्च होता है 5 मार्च को या फिर सिर्फ हमें उसका टीजर दिखाकर छोड़ दिया जाता है, जैसे हर बार किया जाता है, थोड़ा सा हिंट देकर छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, रियलमी हर 3 महीने पे कुछ ना कुछ लॉन्च करता ही है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो आपकी क्या राय है दोस्तों रियलमी टीवी के बारे में, आपको क्या लगता है रियलमी का टीवी कैसा रहेगा, क्या इंडिया में वो हिट करेगा या नहीं,
और आप रियलमी टीवी लेना पसंद करोगे या फिर नहीं, वो सभी बातें दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर कोई सवाल सुझाव चैनल से रिलेटेड वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा भदानी टेक ने कोई वीडियो अपलोड किया। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित भदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।